लेकर आए हैं तो थोड़ा मुश्किल लगे आज की वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ, क्योंकि इस वीडियो हम डेली लाते रहते हैं। सो अब शुरू करते हैं वीडियो को। पहली खबर के बारे में बात करते हो गाइस, पहली खबर निकल के आ रही सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग का एक फोन आने वाला है सैमसंग S10 Lite के नाम से। तो कुछ इसके रेंडर्स वगैरह लीक हुए हैं, यानी कि फोटोज वगैरह लीक हुई हैं, जिसमें दिखाया गया है कि गाइस आप भी देख सकते हैं कि इसमें आपको बैक में आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, और जो फ्रंट में हो डिस्प्ले, उसकी डिस्प्ले जैसा कि आपको सैमसंग के S10 वगैरह में देखने को मिली, सेम वही डिस्प्ले आपको भी इसमें देखने को मिलेगी। और साथ ही इसमें आपको जो सेल्फी देखने को मिलेगी गाइस, वो होगी डुअल कैमरे के साथ में। तो गाइस अदरवाइज इसके स्पेक्स के बारे में अभी तक कंफर्म नहीं कि और इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, बट जैसे ही मुझे कुछ कंफर्म होता है मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। तो गाइस आपको इस फोन का इंतजार है कि नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली खबर के बारे में बात करें तो गाइस अगली खबर निकल गई वीवो की तरफ से। जी हाँ, वीवो का एक फोन आने वाला है जो आप वीवो S5 के नाम से आने वाला है। तो यार इसके कुछ फोटोज लीक हुई, तो फोटो में आप देख सकते हैं यार फोन मतलब काफी गजब का फोन होने वाला है। अदर स्पेक्स के बारे में भी कंफर्म नहीं है, बट जैसे कुछ कंफर्म होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस आप फोटो देख सकते हैं, फोटो में कितना मतलब मस्त लग रहा है, फ्रंट में भी आप देख सकते हैं। और बैक की बात करें तो गाइस बैक में आप देख सकते हैं कैमरे की जो डिजाइन देखने को मिलेगी वो काफी अच्छी होगी। आपको ये डिजाइन पसंद है कि नहीं कमेंट में जरूर बताएं। और गाइस इसकी जो फ्रंट है डिस्प्ले आप देख सकते हैं, डिस्प्ले काफी अच्छी डिस्प्ले देखने को, यानी कि बेजल्स वगैरह इसमें आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो गाइस आपको ये फोन कैसा लगा और आपको इस फोन का इंतजार है कि नहीं कमेंट में जरूर बताएं। सर अगली खबर के बारे में बात करते हो गाइस, अगली खबर निकल गई फिर से सैमसंग की तरफ से। जी हाँ, सैमसंग का जो फोल्डेबल फोन मैंने कल के परसों के टेक्निक्स में बताया था, तो गाइस वो फोन आपको नवंबर के महीने में देखने को मिलेगा, बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सैमसंग का S10 Lite ही हो सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि यही है या कोई दूसरा भी फोन हो सकता है सैमसंग की तरफ से जो कि फोल्डेबल फोन होगा। तो गाइस आपको इस फोन का इंतजार है कि नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगली खबर के बारे में बात करें तो गाइस अगली खबर निकल के रही रियलमी और ओप्पो वालों के लिए। जी हाँ, रियलमी का जो OS है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि स्किन जो उसकी है, उसका अपडेट बहुत ही जल्द आने वाला है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। बट इसकी कुछ फोटोज वगैरह लीक हुई ColorOS 7 की, तो आप फोटोज वगैरह देख सकते हैं, जिसमें आप फोटो में नोटिफिकेशन पैनल देख सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको थोड़े बहुत मतलब मिनिमाइज किया गया है उन एप्लीकेशन को, जो आपका नोटिफिकेशन पैनल है इसको मिनिमाइज किया गया है, और जो एप्स का आइकन है उनको भी मिनिमाइज किया गया है। तो खुद ज्यादा मुझे चेंजेस नहीं लगते हैं इसके ColorOS 7 के अपडेट में। आपको कैसा लगते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दें। तो यार अगली खबर के बारे में बात करें तो गाइस अगली खबर निकल के आ रही है रेडमी की तरफ से। जी हाँ, रेडमी का जो Poco F1 है अब उसका अपग्रेडेड वर्जन, यानी कि उसका सक्सेसर आने वाला है Poco F2 Pro के नाम से। बट Poco F2 अभी तक नहीं आया, तो खैर छोड़िए, बट Poco F2 का एक इमेज लीक हुआ है Poco F2 Pro का, तो आप देख सकते हैं इमेज में, यानी कि फोन बहुत ही जल्द आने वाला है। बट डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है कि कब आएगा, बट ये फोन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। आपको इस फोन का इंतजार है कि नहीं कमेंट में जरूर बताएं। तो भैया ये खबर सबसे बड़ी खबर है रेडमी की तरफ से। जी हाँ, रेडमी के जो K30 के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, अब उसकी कंफर्म न्यूज निकल के आ गई रेडमी K30 एंड K30 Pro के बारे में। जी हाँ, रेडमी का K30 फोन जो है वो बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है, यानी कि नवंबर के एंड वीक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। तो ये गाइस ये फोन वाकई में काफी अच्छा फोन है, और ये MediaTek 5G के साथ में आएगा। तो ये 5G फोन होगा गाइस रेडमी की तरफ से, रेडमी का K30 यानी कि रेडमी K20 का सक्सेसर। और रेडमी K30 Pro गाइज अभी लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि इसे नेक्स्ट ईयर लॉन्च किया जाएगा, यानी कि 2020 में यह फोन लॉन्च होगा। बट जो रेडमी K30 है वो नवंबर या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, और रेडमी का K30 Pro वो गाइज आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि 2020 में देखने को मिलेगा। तो गाइज आपको इस फोन का इंतजार है कि नहीं कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।